Hello and a very warm welcome to the Epic Show. आज के जो मेरे गेस्ट हैं, he's a very very talented singer, composer and musician and an actor also. He's a very old friend and I know him for many years. It's kind of we all started back in 2002-3. अभी हम इसके बारे में गपशप करेंगे. इस वक्त आपके मुल्क के दो तीन leading singers वो इन्हीं के बैंड से निकले हैं. So इनकी बड़ी contribution है to the entire music industry of Pakistan. एक गाना मैंने उनका सुना है और Nescafe Basement में से उसी में से जो line है उनको best define करती है. It says हर जगह है जल, हर जगह है जल, क्या हर साल है मिस्टर गौर मुमताज. ग्रेट इंट्रोडक्शन सर. एक गाना था शायद इतना लोगों ने शायद सुना हो या ना सुना हो, तुम कहाँ चल दिए. हाँ पायल, वो ही आपको डिफाइन करती है. तो आई मीन किधर है भाई आप. यार एक्चुअली वर्किंग ऑन प्री प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट फ्रॉम वन ईयर. एक्टिंग से थोड़ी सी ब्रेक ली हुई थी इस वजह से. ड्रामा से जरा ब्रेक ली. ओके. और ब्रेक ही हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए है. तो बैक टू म्यूजिक. म्यूजिक तो साथ साथ चल ही रहा था. वो ऐसे होता ही है कि जो लोग कॉन्सर्ट्स करते हैं वो टीवी पे नजर नहीं आते, और जब एक ड्रामा करते हैं तो वो 6-8 months चलता है और रिपीट पे भी चलता रहता है. ये इन्फॉर्मेशन तो और गिला शिकवा भी एक गिला शिकवा भी रहा है क्योंकि आपने भी याद होगा उसी टाइम ये चीज़ें स्टार्ट की जब वो इंडस म्यूजिक का जो म्यूजिक था कि एक गाना जब नया आता तो सबको पता चल जाता था कि कोई नई चीज़ आई है. ये कॉन्सर्ट्स भी लाइव चलते हैं तो कॉन्सर्ट्स तो साथ साथ उसी तरह चल रहे थे. बट एक्टिंग में मैं शुरू से ही एक या दो प्रोजेक्ट्स ही करता रहा हूँ, और उसकी वजह ये थी ताकि म्यूजिक के साथ साथ इसको चलाया जाए. नहीं वो मुझे पता है कि वो जो वीडियोस होती थी बैक इन दोज डेज तो उसमें भी एक्टिंग सारी यू वर डू यूज्ड टू डू एंड कौन लड़की आप ही थे उसके को कॉन्टो आइसक्रीम बना देते थे. ये ब्रांड्स के डिसीजन हमेशा से होते थे. ऑलवेज ब्रांड इन योर फेवर. नॉट ऑल द टाइम बट आई थिंक ज्यादातर ब्रांड के डिसीजन होते थे. और वो कहते हैं ना जब आप सारे बैठे होते थे तो जब कहते थे ना कि गौहर को हमने लेना है तो मैं बड़ा शाय होकर ऐसे बैठ जाता था कि शिट ये बैंड तोड़वाएंगे. मुझे लग रहा था कि ये बड़ी लेगेसी लेके जाएगा. अभी भी ज्यादा स्टेज दे रहे हैं. आर यू कंसीडरिंग कि जैसा बाकी लोग रीयूनियन या बाकी तब जा रहे हैं. यार व्हाई नॉट. आई थिंक रीयूनियन अच्छी बात है जो बाकी बैंड्स की भी होती है. जिस तरह कुछ बैंड्स का मैं बहुत बड़ा फैन था और जब रीयूनियन हुई तो मुझे बड़ा अच्छा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है देखने में. हाँ जुनून ने किया. और आई थिंक अभी एवरीबडी इज बिजी. आई थिंक दे आर डूइंग देयर वर्क. मैं खुद सारे अपना अपना काम कर रहे हैं. आई थिंक वी कैन डू इट. वो हमें साल नहीं पता, दिन नहीं पता, लेकिन हो भी सकता है कि ऐसा हो ना भी हो. सो जैसे आप ही का गाना था उसी पे जवाब दे देते हैं. एक दिन आएगा. एक दिन आएगा. ये सारे बड़े फ्यूचरिस्टिक गाने लिखे हुए थे मैंने. आज बड़ी सैड वीडियो थी. बस सबको मार दिया. ठीक है एक और पोएम वैसे ही मार दिया. जो डाइट जो गीत जमाने एक दिन आए. हाँ मगर वो मुझे लग रहा था कि शायद आप किसी और को मार देंगे मुझे जो पहले होता था. नहीं वो एक्चुअली कौन सा वीडियो उसने रुल्फी ने बनाया था तो हाँ उसमें उन्होंने पूरा बैंड मार दिया था. और उस जमाने में लोग बैठ के वीडियोस देखते थे बिकॉज म्यूजिक चैनल्स वर देयर. एंड नाउ अनफॉर्चूनेटली द म्यूजिक प्ले वगैरह सब. यार अभी भी हाँ लेकिन आई थिंक अब इस तरह सोशल मीडिया पे चीजें ज्यादा आ गई. आई मीन योर शो अलॉन्ग विद लॉट ऑफ अदर पाकिस्तानी शोज जिसको लोग ऑनलाइन बैठ के देखते हैं. और आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट प्रमोशन फॉर द आर्टिस्ट्स एज़ वेल. जो लोग फिल्म्स कर रहे हैं या नया म्यूजिक लॉन्च करते हैं वो टीवी चैनल्स पे तो जो कर रहे हैं बट आई थिंक सोशल मीडिया के थ्रू भी ये चीज अच्छी है कि सोशल मीडिया के थ्रू ये चीजें कर रहे हैं. आई थिंक अब जरा मीडियम चेंज हो गया. सर अभी हमने एक गाना रिलीज किया भंवरे का. बिल्कुल अभी 14 जिसको मैं पढ़ा था भंवरे बंगड़े और कुछ लोग उसको और भी बहुत कुछ पढ़े. तो खैर है वो जब भी चीज आती है ऐसे ही होता है. ऑडियो सभी का इमाम भी उसके अंदर है. भाई की भी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन है. आपकी तो बहुत ज्यादा है एक्चुअली. नो वीडियो में यस नो आई कॉल्ड हिम. मैंने कहा यार कोई हमें कोई टॉप मॉडल बता दें. तो मेरा तो इंटरेक्शन वैसे ही बड़ा कम होता है इन टॉप मॉडल्स से. कहीं याद रखिएगा. नहीं बट ग्रेट वीडियो है. और यू गाइस हैव बीन नोन फॉर दिस. आई मीन स्टाइलाइज करना वीडियोस को कॉन्सेप्चुअली. इंडिया चले गए वहां पे वीडियोस शूट की. दो तक एटलीस्ट की है मुझे याद है. एक ब्रांड के लिए था इंडिया में और उसके अलावा एक हमने ताजमहल पे मैं मस्तू की वीडियो शूट की थी. और वो इंडियन रिलीज थी तो उन्होंने कहा एक वीडियो हमने आपका करके देना है. वो एक बड़ा अच्छा एक फॉर्मेट होता था जब पूरी एल्बम आती थी और रिकॉर्ड लेबल पहले 3 वीडियोस वो करते थे. बिल्कुल. और फिर जाके हमारा मूड होता था कि अच्छा इस एल्बम मिस करते हैं लोगों को. यार ऑफ कोर्स बट आई थिंक हम थोड़ा सा वी लिटिल लेट. आई नो दैट यू वुड अंडरस्टैंड दिस बिकॉज रिकॉर्ड लेबल्स जितनी थी उनका जो भी मॉडल था वो चेंज होके यूट्यूब पे आ जाना चाहिए. इंटरनेशनली है कि एल्बम्स नहीं आ रही तो चलो एक
रैकेट लेबल है जिन्होंने आर्टिस्ट को पकड़ा, साइन किया, 3 गाने निकाल लिया, वो यूट्यूब और वहां से कमा रहे थे। तो हम थोड़ा सा उसमें लेट है, आई थिंक 1-2 साल में ही और रिलीज होना शुरू हो जाएगी। आगे मुझे बताएं कि ड्रामास और वो चीजों पे जो फोकस है अभी। ड्रामे पे फोकस इसलिए था कि जब 3-4 साल पहले जब कॉन्सर्ट्स थोड़े कम हो गए, मुझे ड्रामास की बहुत ज्यादा ऑफर आना शुरू हो गई। फिर वो होता ये था कि स्क्रिप्ट मैं अपने बारे में और किसी के बारे में वो नहीं करता, लेकिन सिंगर्स जितने भी हैं वो जरूरी नहीं है कि वो अच्छे एक्टर्स भी हों, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो एक्टर्स ना हो। जब मैं एक्टिंग फील्ड में गया तो बहुत से एक्टर्स ने कहा कि यार आपने सिंगर्स को क्यों लेना शुरू कर दिया, हम मतलब एक्टर्स बैठे हैं यहाँ पे, सिंगर्स को क्यों, इनसिक्योरिटी होगी। तो मुझे पहले इतना पता नहीं था, जब मैंने काम स्टार्ट किया तो आई फेल्ट नहीं दैट यू आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, मुझे एक्टिंग बिकॉज आपको पता है जब कॉन्सर्ट तो बड़ा बहुत ईजी होता है, म्यूजिक वीडियो निकालना, कॉन्सर्ट करना, वापस आना, स्टारडम गए, गाड़ी में बैठे, सो गए, जाके एक्टिंग इज नॉट ईजी, यू हैव टू गेट अप पेनफुल। सुबह उठते हैं आप 9 बजे, रात तक काम करते हैं, उनके एक्सप्रेशन, एक एक चीज रिहर्सल सब करते हैं। मेरी मेमोरी बहुत अच्छी थी, अभी भी होगी, और अभी भी, क्योंकि वो गाने लिखता था तो मुझे डायलॉग्स में कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होता था, 3-3 सफ़े का वो। तो मैं जब वो 2-3 चीज़ें आई तो फिर ऑफर्स और आना शुरू हो गया। अच्छा, एंड देन आई सेड कि अच्छा यार लेट्स डू इट, इसमें करने में जब आपके पास काम खुद चल कर आ रहे हैं तो आप क्यों कह रहे हैं मैंने नहीं, चाका खुल गया पंजाबी में, तो था ऐसा वैसा, फिर चाका खुलिया। अच्छा, पहली वीडियो बैक इन 2003 और फिर जो जल की पहली ऑफिशियल वीडियो आई, जब रीयूनियन, एक नया जल हमारे सामने फिर फरहान आया, दैट वाज दिल हारे, राइट, दैट वाज एक दिन आएगा तेरी याद, वो पहले आया था एक्चुअली, वो पहले आया, एक दिन आएगा, दिल हारे पहले नहीं आया। सो दिल हारे हुआ ये था कि दिल हारे रिकॉर्ड हुआ था, बट देन द फर्स्ट सॉन्ग दैट ही सैंग वाज तेरी याद, तो वो आया था, और जो एक दिन आएगा फिर ज़ुल्फ़ी ने किया था, बस ऑफ कोर्स यस दिल हारे वाज द सेकंड सॉन्ग, ठीक है, राइट। मुझे पता नहीं क्यों लगी इन्फॉर्मेशन, मैं इस तरह का म्यूजिक का जॉनर का बहुत बड़ा फैन था, मुझे याद है उस जमाने में जल, नूरी, इनको सही भी, और एक आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी थी, वो इकट्ठा सेल करती थी, भाई जान आपको रोजन चाहिए, जल चाहिए, ईपी चाहिए, सब मिल जाएगी, और एंड यू गाइस यूज्ड टू डू दैट वे आल्सो, बट गुड डेज, और अब दोबारा भी अच्छी है म्यूजिक इंडस्ट्री, दोबारा यस कॉन्सर्ट्स आर बड़े इन फुल फ्लो, और बहुत ओवरऑल मैंने वो, हमने वो जनरेशन भी देखी है जब यहाँ पे कॉन्सर्ट्स होना बंद हो गए थे, बंद हो गए, और सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड स्टफ, बट ये वही दोबारा से इरा स्टार्ट हो गया है, जो पहले होता था, जैसे शेजी का गया, वो बंदा कहाँ गया, वो कनाडा मूव हो गए फैमिली के बाद, था वो उसकी फैमिली के साथ उसकी प्रायोरिटी थी कि वो वहाँ पे चला जाए, और आई थिंक तो ये बेसिस्ट जो होता है आमतौर पे, चाहे वो जुनून का हो या आपका हो, वो ऐसे ही गायब होता है एकदम म्यूजिक से। अच्छा, बड़ी रेलेवेंस है वैसे ना, फिल्म लॉ इन कनाडा। अच्छा, वो भी ब्रायन भी यूएस में थे और ये भी इधर थे, अब आगे समझ लेंगे, मेरा ख्याल में फ्यूचर जुनून का आपने भी देख लिया है, तो मुझे लग रहा है आप लोग रीयूनियन कर लें तो मेरा ख्याल से बड़ा, हमारे हमारे बैंड में भी बट थे, उस बैंड में भी बट है, बड़ा मजा आता है, आई कॉल माय फ्रेंड्स जो कि कम ही है इंडस्ट्री में, आतिफ है, अली है, इनके साथ हम कभी जैम पे बैठ जाते हैं। अच्छा, स्टार्ट हो चुका है, कोशिश ये करते हैं कि जिस तरह हम कॉलेज में थे हम उसी तरह मिलते हैं, और जब कोई कैमराज नहीं होते थे, और यू नो जज नहीं करता था कि आप किसी स्टेज पे बैठे हुए हैं या फिर गाने गाए, ऐसे तो हम करते हैं मेरी बहुत, लेकिन हम उसको शायद टीवी या वीडियो के लिए नहीं करते। ओवरऑल देखें इंडस्ट्री को, अब ये बात समझने वाली है, अगर आपने इंडस्ट्री को आगे चलाना है आपको थोड़ा सा कंफर्ट लेवल से बाहर आके सबके साथ भी कुछ करना चाहिए, जैम्स करने चाहिए, ये मैंने कहा, क्योंकि जब ये पहले मैं कहता था तो कोई मानता नहीं था, अब मान रहे हैं, अब मान रहे हैं, उनको समझ भी आ गए, हम थोड़े बड़े भी हो गए, और आई थिंक करना भी चाहिए, शादीशुदा हो गए, हाँ बड़े हो गए, कोई इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। काफी बातें होती जा रही है, वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज एपिक रैपिड फायर, एपिक मोमेंट इन लाइफ। When I won an award for the best singer in my college, well, it was back in 2001. And वो कोई professional award नहीं था, वो college का award. Epic celebrity in your opinion? Junaid Jamshed. Junaid भाई, आप बहुत miss करते हैं. Epic destination? Istanbul. Epic film? Inception. Yes. Epic song? And few lines गाने बढ़िया आपको. अच्छा ना होगा. मेरे दिल का जहां आवारा हो
एक तारा आसमान में खिला, टूटिया वो तारा हो गया, नींद ना आए रातों में क्यों, बिछड़े लम्हों को लौटा दे तू, भंवरे हो दिला दिया सांसों में ना, आपको अपने दो टैलेंट दिखाए हैं। अगर बैंड में कोई जगह है तो एक ये है संजना का, और ये भी हो सकता है वो आप सोचें आपकी भी शादी ना हुई होती और एक बंदा आपके पास आपका रिश्ता आता, ठीक है, वो आपको कहता जी आपका बेटा करता क्या है, तो आप क्या Epic singer and one band. Coldplay. Coldplay. Epic singer John Mayer. बजाय शंकर. एक epic memory और ये तो I'm sure एक कोई epic memory होगी. कमाल की memory. When we collectively as a band won 4 awards at Lux Style Awards. That has never happened in the history of Lux Style Awards. के best song, best album. अच्छा चला. कितने concerts कर लिए होंगे? फिर भी easily number that you can play. Yeah, honestly, कुछ यार. 500 plus, 200 plus. I think it must have been more than 1000 plus concerts. तो कुछ हमने low IQ questions भी talk किए हैं. वो अच्छा. हर तरह के लोग भी आते हैं हमारे पास. Perfect. So low IQ questions से start करते हैं. Birthplace, date of birth. देखा कितनी मुश्किल. That's a good सवाल. इसके ऊपर सोचना तो नहीं चाहिए. 27 July. 27. Festival. Favorite color? Blue and black. Food? Nehari. Full name? Gaurum Das. Favorite city in the world? Lahore. Lahore. If I'm not wrong, you guys have most traveled to India as a band. Jarez, to date probably, if not you or Spring, maybe you guys are the only one who is most performing in India those days. Iski kya wajah thi? It's like an international market. Theek hai. Hum log ke do gaane, Lamhe aur Aadat. दोनों की तरफ से महेश भट्ट की फिल्म में आ गए थे. अच्छा. और हमारा बैंड वर्जन उसमें आ गया था और उसी प्रोसेस पे वी वर लॉन्चिंग आवर फर्स्ट एल्बम आदत इन इंडिया. और इंडिया जब में जब लॉन्च कर रहे थे तो हमें यहाँ पे खुरम भाई का आपको पता होगा, जुल्फी के बड़े भाई हैं, उनको एक दिन बड़ा मजे का वाकया. आई थिंक खुरम भाई कॉल्ड मी एंड रेस्ट ऑफ द बैंड मेंबर्स सेड यार यू गाइस हैव टू कम टू माय हाउस राइट नाउ. आई सेड क्या हुआ, कहते मैं अभी पहुंचा. पहुंचे तो खुरम भाई कहते यार मुझे कॉल आई थी इंडिया से एक, और मैंने पूछा तो उन्होंने आगे से कहा कि मुझे आपका गाना चाहिए आदत अपनी फिल्म में. और उन्होंने कहा अच्छा बिल्कुल वाई नॉट श्योर अब तक. अच्छा अच्छी बात है, आप कौन बात कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि मैं एक इतना सा आर्टिस्ट हूँ, संजय दत्त कहते हैं. अच्छा. सो हैविंग ऑल दोस मैनेजर्स ही वाज कॉलिंग अस डायरेक्टली एज अ ह्यूज थिंग. तो हम ना सारे ऐसे थोड़ी देर शॉप में जाके बैठ गए. फिर दिन संजय दत्त लेटर ऑन जब बॉम्बे गए तो उन्होंने घर बुलाया और उन्हें वहाँ पे बताया कि यार मैं उनकी प्राइवेसी भी ख़राब नहीं करूँगा संजय दत्त की थोड़ी सी, लेकिन उनके किसी दोस्त ने उनको कहा था कि देयर आर टू गाइस इन गोहल एंड आतिफ इनका ये गाना नहीं आदत आया वो सुनो. ओके. तो कहते हैं उस दिन से लेके अभी तक वी फेल इन लव विद दिस सॉन्ग. सो उसके बाद हुआ ये कि महेश भट्ट की फिल्म में ही गाने आए. और जो टूर पे आपका जो सवाल मैं बताना चाहता हूँ, टूर वो जब स्टार्ट हुए आदत लमे तो बस फिर हर महीने हर साल वो गाने वहाँ पे हिट हो गए इंडिया में. ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान में हिट नहीं थे गाने जल के, लेकिन वो जब उधर जाके हिट हुए तो फिर वो कॉन्सर्ट्स एंड क्यूरीज तो वी नेवर लुक बैक. देन 5-8 इयर्स काफी टूर फिर होते. सो इससे मुझे लम्स की आपने विषय बात की, और यार लम्स में हमारा एक इवेंट हो रहा था चांद सितारा का. यू वर देयर. यस. एंड मुझे उसमें पता चला कि यू वर वेरी क्लोज टू जुनैद भाई, जुनैद शेर साहब बोला था उनको दोनों जगह था भाई. ये इतना मतलब इतना बड़ा एज गैप होगा उनके एरा में आप आए नहीं होंगे, तो क्या दोस्ती थी उनसे? ही लाइक मुझे नहीं समझ आई कि हम उनका वो इवेंट हो रहा है वो आके जुनैद भाई भी उसे आपको बताया परफॉर्म तक करना छोड़ गए थे. वो तो सिर्फ तो चांद सितारा के लिए आए थे वो चीज़ के लिए, आइटम के लिए. He was there and उन्होंने मुझे कहा मेरे कोई दोस्त आएंगे, तो I saw you coming over there and then you went with him और सब कुछ हाथ में हाथ पकड़ के जैसे उनका एक स्टाइल था वो क्या बहुत memorable performance. उनका फैन बहुत बड़ा था और जब मैं उनसे मिला
तो वो जब लाहौर आते थे और बहुत अच्छी हमारी गपशप होती थी. सो आई थिंक वो एक कनेक्शन होता है. अच्छा. जब मैं उनसे मिलने से पहले वो मेरे लिए बहुत बड़े स्टार थे. लेकिन जब मैं उनसे मिला तो वो एक इंसान भी बहुत बहुत बड़े और वो बहुत प्यार. मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है. इतना फेम और इतनी इज्जत के बाद मैंने बहुत लोगों के दिमाग खराब होते देखे. एटीट्यूड भी आपने भी देखे होंगे सब. लेकिन जो मैंने सीखा उनसे कि वो जितना कहते हैं ना कि फल आपको तभी लगता है जितना आप झुकते हैं. एंड लेटर ऑन वो मेरा निकाह भी उन्होंने अच्छा करवाया. जुनैद भाई ने सडन प्लान एक दिन पहले हुआ था इस्लामाबाद. सो आई थिंक उनकी रिस्पेक्ट सिर्फ मेरी फैमिली में और ओवरऑल दोस्ती बहुत ज्यादा थी. अच्छा. वो एक रिलेशनशिप बनना था. या इट इज अ ग्रेट ग्रेट लॉस. एंड आई थिंक कैरेक्टर का कहते हैं ना कि बड़ा असर होता है वो उनका होता था. इंपैक्ट होता था. और जो इवेंट आपने फिर करवाया तो उन्होंने एक्चुअली आपको याद होगा कि उसके एंड में उन्होंने कहा था कि गौहर मैं स्टेज पर आऊंगा तो तुमने आना है. और आपको याद होगा कि मैंने उनके दो गाने गाए थे. वो एक्चुअली उन्होंने मुझे कहे थे कि तुम ये लाइव जल्दी वो छोड़ चुके थे. वो छोड़ चुके थे. वो सिर्फ दिल दिल पाकिस्तान तक. एक वीडियो जो सजनी आई उस जमाने में उसने धमाके किए. मेरा काम है स्पॉन्सर के भी बहुत पैसे खर्च हो गए थे वो. मगर बड़ी इट वाज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट मतलब जो मैन वाज देयर बिलाल की आई थिंक वन ऑफ द वेरी फ्यू वीडियोस आई डायरेक्टेड. मतलब कॉन्सेप्ट द एंटायर कॉन्सेप्ट और एक स्टाइलिंग के साथ और एवरीबॉडी वाज ट्रू टू इट. वी वर टोटली ट्रस्टिंग बिलाल अशरफ. नाउ हम वी आर रिकॉर्डिंग अ सेकंड एल्बम बिलाल के स्टूडियो में एंड ही वाज शूटिंग अ वीडियो ऑफ इब्रान और अहमद बट जो है उनको हम सब जानते हैं. बट साहब ने हमें मिलवाया बिलाल अशारी से कि यार ये जल का एक वो है. तो सजनी हमने सुनाया और एंड ही सेड दैट यू नो ही हम दो उसने का गाना मैं बनाऊंगा इसकी मैं वीडियोस की मैं बनाऊंगा. और उसके बाद फिर उन्होंने जरा कॉन्सेप्ट बताया ये ब्यूटी एंड बीस्ट वाला. और हमारा जिंदगी का जो सबसे कम शूटिंग जिस वीडियो की हुई थी वो सजनी की थी. अच्छा. क्योंकि मेरा ख्याल हम दो घंटे में सारे जब पहला गाना आया तो लोगों ने कहा कि वन हिट वंडर वाला से एक गाना आएगा और गायब हो जाएंगे. पता नहीं कौन है लड़के कहां से आ गए. फिर मैंने कहा अच्छा ठहरो. मैंने दिलारे किया. मैंने कहा दो तीन गाने. अच्छा I have been facing this. जब तक सेकेंड एल्बम नहीं आया ना उससे पहले दिलहारे तेरी याद कंपोज किया वो लम्हे हिट हुआ. एक दिन आएगा. आदत तो था ही उधर. नहीं तो इनमें सबसे पहले पंछी पंछी सबसे पहले आदत आया था. मगर कंपोज पहले कौन सा हुआ. सबसे पहले कंपोज मैंने किया था जागे हैं सोए जागे. कंप्यूटर लैब से भेजा वो उनको पहुंची नहीं. तो मैं उनको कॉल करा था हमें सेलेक्ट नहीं किया. डोमेस्टिक मसले. डोमेस्टिक मसले ना. हमने कहा भाई आपकी कैसेट ही नहीं आई. हेलो हु द हेल आर यू गाइस. चीता ही नहीं आया. कौन है आप. क्या सीन क्या आप लोगों का. मैंने कहा नहीं आई तो क्या हो सकता है यार. तो सेकंड फिर आदत. पहले 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 ये शायद किस्मत में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही मिली. हां के आदत से शायद वो लॉन्च होना था. पर जागे हैं ने भी बड़ा मजेदार. डिड यू गाइस वो जो बैटल ऑफ बैंड्स हुआ था जिसमें ईपी जीता था उसी में आरओ जीता था. एक्चुअली उसी में अप्लाई किया था मैंने. अच्छा. मगर यू गाइस वर नेवर पार्ट ऑफ इट ना. या बिकॉज़ वो विनर ऑडिशन पहुंचे नहीं था. पहुंचे नहीं ना यार. ये भी हमारा कैसेट नहीं पहुंचा. उन्होंने कहा भाई बिखर गए. बिखर रहा हूं मैं. उसके बाद लिखा होगा बिखर रहा हूं. बिखर रहा हूं मैं. तो वो शायद वो ईपी और आरओ की किस्मत में था जीतना. रिसेंटली यार आई ऑनेस्टली लव्ड योर परफॉर्मेंस ऑफ पेडलो ब्रांड्स. ये जो जिसका भी आईडिया था दिलहारे साले कहते हैं एक्यूस्टिक एंड मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करता हूं. बट मुझे मतलब वो एक चीज जो है ना
how you picked it up or it's another version of Dilhare or wo is kisam ki aur performances hoti hai yaar actually ye vaada kar main bilkul vaada kar dunga pakka lekin ye wahi baat aati hai ki ek cheez agar aap achhi kare na to wo sabko zara brand ko aur wo samjhana padta hai jo us show ka Pepsi mein aapne dekha hoga sari performances लोग बैंड्स खड़े होकर परफॉर्म करते हैं एंड हमें भी ये इंस्ट्रक्शन मिली थी कोई ऐसी परफॉर्मेंस करें एंड देन द टाइम दैट वी परफॉर्म दैट परफॉर्मेंस एंड दे वर नॉट रियली ओके विद इट कि ये अनप्लग क्या है पांच गिटार्स और इसके साथ ठीक है लेकिन मैंने कहा कि ट्रस्ट अस ओके और एंड दे डिड एंड दे डिड एंड दे सेड कि अच्छा चलो अच्छी बात है इस तरह करके देखें लेकिन आई थिंक उसके व्यूज और रिस्पॉन्स भी सबसे ज्यादा अच्छा है 45 सेकंड्स में हम यहाँ पे एक टिकर लगाएंगे अच्छा सो हाउ कैन वी मेक सोशल मीडिया अ बेटर प्लेस टू लिव इन योर ओपिनियन यार आई थिंक सोशल मीडिया पे जो लोग भी किसी के बारे में गेन बात करते हैं उनको ये सोचने लगना चाहिए कि उससे किसी की दिल आजारी हो सकती है कोई डिप्रेशन में जा सकता है आपकी दो लाइनों से कोई चार दिन सो नहीं सकता और बहुत से लोग सेंसिटिव होते हैं सो आप जिस तरह इन लोगों ने अपना एक स्क्रिप्ट बनाया है ये प्रोग्राम करने से पहले आप भी जरा तोल के बोलने की कोशिश करें अगर आपके हाथ में कैमरा आ गया है और अल्लाह मियां ने अगर आपको अच्छी शक्ल और जुबान दी है आवाज़ दी है तो कोशिश करें कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज करें मैं कहता हूँ क्या बात है मेरी यार ये जो बूटा ना ये आप ही का है इसको पानी भी आपने दिया तो ये बूटे के लिए बुलाया था उसे यार ये बजट है अच्छा सो विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज स्नीक पीक और ये पिक्चर आपकी अच्छा जी इसके ऊपर अरेबियन समथिंग सू Zer Arabian. Your songs are one of those exceptional ones. The more you listen, the more you love it. And never get bored. I've been listening to the OST to Faisla on repeat while driving. Faisla ek drama tha usko is tarah compose kiya tha. To ye aap jo bhi Arabian jo hai bahut tabka. Haan ye Aza bahut bahut shukr. Ye Gaur Mumtaz Dilare episode se Pepsi par lo. How is it that cohort looks almost the same after 15 years? मुझे तो वो कौन सी शाहरुख खान की भी फिल्म आई है रईस का शाहरुख खान लग रहे हैं ग्लासेस वहीं से हैं मैंने ये इसीलिए लगाई कि मैं आपको थोड़ा सा बड़ा कुछ मटेरियल 15 साल बाद भी अगर मैं आपको वैसा लग रहा हूँ तो थोड़ा सा बड़ा लगूंगा ये आप बड़ा ये शूट मेरे हमदम हम टीवी के ड्रामा उसके शूट पे मैं ब्लू है पानी पानी भाई लगता कोई काम नहीं रहा अब चल में इसलिए बस ड्रामे ही हद तक रह गई है यार ये तो उसने आपको जुगत मार दी है ये आपने कोई इसको रिवर्स जुगत मार दिया I was waiting for इस तरह का कोई कमेंट बाकी तो बड़े अच्छे चल रहे थे ये नॉटी था यार बस ड्रामा एक करो छह महीने चलता है कॉन्सर्ट करो तो गाना नजर नहीं आता सारे सेगमेंट्स आपने बड़े अच्छी तरह से आपने यार किए मेरी क्या और जितने आए ना आप जितने उन्होंने भी ऐसे किए कितनी रैंडम बातें होती इसके अंदर हमने एक और सेक्शन बना दिया जिसका नाम है एपिक रैंडम सो योर फेवरेट शो द एपिक शो यार ये पेड़ नहीं था बड़े अरसे बाद किसी शो पर आया हूं यार ये बात सच है मैंने व्हेन आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट मैंने एक मिनट में जवाब दिया मैं शो पर आया सर ये है ना इसकी वजह ये बड़ा ही एपिक फिर मैं जाके देखा जरा शो मैंने कहा इसमें होता क्या है और क्यों होता है और फिर मैंने कल क्यों रहा भी तैयारी नहीं की मैंने कहा देखा जाएगा बहुत ज्यादा तभी तो इतना अच्छा जा रहा टेल मी जिंदगी क्या है जिंदगी का मकसद उसका उसकी जस्तजू क्या यार जिंदगी का मकसद अगर आप मुझसे पूछें अगर जब मैं लोगों को खुश रखता हूँ तो मैं खुश रहता हूँ एंड आई थिंक हमारे रिलीजन में एंड अगर आप ह्यूमैनिटी को देखें तो उसमें भी ये चीज़ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है दैट यू ऑलवेज हैव टेक केयर ऑफ अदर्स ऑलराइट उससे मुझे बड़ा सुकून मिलता है ठीक है तो मकसद जिंदगी का अच्छी जिंदगी जीना ओके और थोड़े जिसे कहते हैं ना अपनी चादर देख के पाँव फैलाना ही बेहतर है ठीक है और सिंपल रखना चीजों को सिंपल रखना बहुत जरूरी है जिस तो जरूरी है यस व्हाट अनॉयज यू द मोस्ट एंड हाउ डू यू डील विद इट व्हेन पीपल टॉक अबाउट अदर पीपल ऑल द टाइम गॉसिप मुझे गॉसिप भी ठीक है यार लेकिन बैक बाइटिंग जब बैक बाइटिंग लोगों के बारे में मुझे कोई अच्छा आइडिया बड़ा अच्छा लगता है अगर कोई कह रहे कि यार इस कमरे में आज मैंने ये लैम्प जो है ना इसका एम्बियंस बनाया है अपने हाथ से जो इनोवेटिव और क्रिएटिव वो चीजें उसमें मुझे बड़ा मजा आता है व्हाट्स वन प्लेस वेयर यू यूज अ फोन द मोस्ट एंड वेयर द लीस्ट वॉशरूम एंड वेयर द लीस्ट स्टूडियो द मोस्ट डिफिकल्ट सॉन्ग टू डेट यू सैंग या फिर वो भवरे और लेकिन सबसे अच्छा भी हुई डेस्क कैफे पे हुआ क्योंकि मुझे लगता था कि ये इसकी मेलोडी थोड़ी सी टफ है बट देन जुल्फी के पास जब नेस्कैफे किया तो वो कहता है यार जब तू बिल्कुल बेफिक्र हो जाता है ना अच्छा
सो के उठ के आया होता है वो कोई टेंशन नहीं होती, सबसे अच्छा गाता है यानी वो हमारे जो है मुझे लगा था पंछी वो जो सीएस का वर्जन था यार पंछी वाज आल्सो टफ यस पंछी आई कैन रीड योर माइंड ऑल योर राइट पंछी वाज आल्सो टफ बिकॉज़ उसका हमने स्केल चेंज किया था क्यूबी की वजह से हमने द बेस्ट कॉन्सर्ट टू डेट और कहां किधर 2014 ओटू लंडन एंड बांग्लादेश ढाका का एक कॉन्सर्ट मतलब पाकिस्तान के सारे लेट ही अभी सॉरी एक हफ्ता पहले केसी में जो कॉन्सर्ट भी हुआ था केसी क्या बात है कॉलेज से तो बड़ी पुरानी मेमोरी अच्छा हु आर द सेलिब्रिटीज यू फॉलो एंड व्हाई मुझे शुएब मलिक कई दफा बहुत मजा आता है सुन के बैटिंग वगैरह तो इज अ ग्रेट क्रिकेटर लेकिन द वे ही हैंडल्स मीडिया इज जस्ट अमेजिंग शुएब भाई शुएब मलिक है और रमीज राजा हैं भी बड़े एक्टिव सोशल मीडिया पे उनका ह्यूमर बड़ा अच्छा है उनके ह्यूमर वो देख के पता चल जाता है आजकल की टर्म्स आ गई है यार योलो फोमो बीटीबी आर यू अवेयर विद इट मैं भी लर्न कर एनआर 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 के नॉट रियली नॉट रियली हाउ डू यू स्ट्रक्चर दीस थ्री थिंग्स In your preference, अकल, इल्म, इश्क. यार अगर आप इन तीनों के दरमियान बैलेंस कर लें जो कि मुझसे तो आज तक नहीं हुआ तो आप कमाल इंसान आप जीनियस बन सकते हैं अगर आपको इश्क हो गया तो शायद अब में अकल थोड़ी काम हो जाए क्योंकि आप दिल की सुन रहे हैं फिर आप इल्म भी यूज नहीं करेंगे इल्म होगा तो अकल यूज करेंगे एक सेंसिटिव आर्टिस्ट ही ऐसा जवाब दे सकता था हाँ क्योंकि लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन माय केस मैंने अपने दिल की ज्यादा सुनी है आजकल की दुनिया क्या है मटेरियलिस्टिक और लोग जिसकी लिए आते हैं वो ये है आपने बास्केट देखी इससे बड़ी बास्केट तो बड़ी कर लेना जूते पूरे नहीं आ रहे उसमें सर सर जब हमको भर जाती ना जरा फील आ जाती है एक चीज सर ये जूते मैंने आपके लिए आपके मैंने शू साइज आई होप आपको आए थैंक यू सो मच हमारे ऑफिस में सबने पहने हैं थैंक यू सो मच ठीक है और ये मेरे भी घर में सब पहनेंगे इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह ये इंसिग्निया शूज की तरफ से आपके पास ये शूज हैं और ये इन्होंने आपके लिए एक सो बनाया मेरे लिए खास बनाया खास मार्जिस ये आपके लिए ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं नेचुरल आप इस प्रोडक्ट्स वो धोएंगे तो आप बिल्कुल फ्रांस से जैसा लेंगे इससे आप आता जैसे बन जाएंगे और इससे आप अलीना जैसे बन जाएंगे हेयर स्प्रे और ये नेचुरल तो तू तीनों रख ले यार ये तीनों आपके लिए और एक या आप जिल्द ने आपके लिए एक बनाया है सो मच सो नाइस ऑफ यू और असल चीज वही है ना आइंदा जब भी आप क्रिकेट खेलेंगे कोई लग रहा है वो हार्ट पिक वाले नहीं आते घर में सुबह से ऐसी लगेंगे तो व्यूअर्स आपके लिए भी हमेशा की तरह तरह बहुत कुछ है हम ये टोपी उस फैन को देंगे जो आप सबसे ज्यादा कमेंट भी करेंगे और जो इंगेज करेगा और जो सबसे बड़े इनके गौहर के जल के फैन है आप एक साइन कर देंगे इसको थैंक यू सो मच कुछ आगे मुझे बताना भी है मैं जरूर आप पे हो सकता है आप ही घर पहुंच जाए अपना फैन मैं खुद ही निकलूं कितना मुझे फरहान से जीत जाए आई होप यू लाइक द शो डोंट फॉरगेट टू कमेंट क्या क्या करते हैं आप बताएं लाइक कमेंट सब्सक्राइब डाउनलोड watch it like 3-4 times a day to not do anything and just keep on watching my interview on that's it kaisa laga yaar aapko maza aaya yaar se aapke muh pe aapki tareef karne bahut kam log lekin honestly bahut maza aaya and is tarah ka show hota rehna chahiye ye paid content hai but paise check kar de diya tha haan yaar wo maine de diya tha to bahut bahut acha kiya amazing yes So, jaate aate signing off, Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad? Pakistan Zindabad! How can it be ke woh hamare paas gohar ho aur hum ek gaana na unse gawaye? 1, 2, 3, 4